Good morning, students. Today I am explaining here difference between solutions, colloids, and suspension. सोल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, लेट्स नो अबाउट दीज डिफरेंसेस। यू मेक फोन कॉलम्स इन योर फेयर कॉपी। इन फर्स्ट कॉलम यू राइट करेक्टर स्टेट्स, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं जिनसे टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। तो
फैक्ट। कोलाइड के पार्टिकल्स थोड़े बिगर होते हैं जो टिंडर फैक्ट शो करते हैं, दे शो टिंडर फैक्ट इफेक्ट, ये टिंडर फैक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, सस्पेंशन के पार्टिकल और ज्यादा करते हैं तो लाइट की स्कैटरिंग और ज्यादा होगी, तो दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के बेस पर कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मींस है किसमें लाइट पास हो जाती है किसमें नहीं होती है, तो ये हम नंबर फोर्थ एपियरेंस भी कह सकते हैं किस टाइप से ये दिखने में होते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं क्लियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, जबकि कोलाइड्स जो होते हैं स्ट्रेन ये ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट। और सस्पेंशन जो होते हैं वो ओपेक होंगे, ओपेक, इनके आर पार कुछ भी नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है कि सबस्टांस विच अलाउड टू पास द लाइट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट, अदर सबस्टांस विच डू नॉट विच अलाउ द लाइट पार्शियली कर सकते हैं। और एक स्ट्रेट, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। एग्जांपल्स सॉल्यूशन में जो एग्जांपल है स्ट्रेट, एग्जांपल जैसे शुगर सॉल्यूशन कोलाइड एग्जांपल मिल्क, एंड सस्पेंशन का एग्जाम्पल स्ट्रेंथ जो होता है वो है मडी वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन।
So straight in this way you can understand. Straight यहाँ पे एक चीज है, वो lines जो होते हैं वो stable होते हैं सभी, stable. अने stable नहीं होते हैं, वो lines stable होते हैं और suspension भी stable होते हैं. वो suspension अने stable होते हैं. Solution stable, वो lines